नॉर्थ कोरिया से भागी हुई ये लड़की अब कहाँ है और क्या कर रही है, और जो ट्रेन होती है वो क्या रोड पर चल सकती है, अगर नहीं तो ये कैसे चल रही है, और एक ऐसी लड़की जिसने खुद के पिता की आशिकी में अपनी ही माँ को मार डाला लेकिन क्यों, और नेपाल में दिवाली के दिन कुत्तों की पूजा की जाती है लेकिन वो क्यों। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों नॉर्थ कोरिया से भागी लड़की के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सका था। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अब ये क्या करती है, तो हम आपको बताते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने के बाद ये अमेरिका चली गई वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। जब वहाँ पहुँची थी तो इनको स्टार्टिंग में काफी तकलीफ हुई क्योंकि ना ही इन्हें प्रॉपरली इंग्लिश आती थी और लोग इन्हें अलग ही नजर से देखा करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया और जब इन्होंने अपनी कहानी सबको बताई तो लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया था कि वहाँ पर बचपन से ही लोगों को डरा कर रखा जाता है और ऐसा करने के लिए बच्चों को मुजरिमों के स्तर पर गोली मारते हुए दिखाया जाता है। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा डरावना होगा एक छोटे बच्चे के लिए। ये अभी मेकअप इंडस्ट्री में है और आई लैशेस एक्सटेंशन ग्रुप में काम करती है। उन्होंने हाल ही में अपनी कार खरीदी थी और इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। नंबर टू, क्या ट्रेन रोड पर चल सकती है? देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रेन को चलने के लिए काफी ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए होता है जो कि उन्हें पटरी पर ही मिल सकता है, और रोड पर ट्रेन को बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। साथ में ट्रेन को रोड पर मोड़ पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्रेन के टायर कार जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। साथ में ट्रेन के पहिए बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं और ट्रेन काफी ज्यादा वजनी और लंबी होती है, जिसके चलते अगर ट्रेन को रोड पर चलाया जाएगा तो वो रोड के अंदर घुस जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। आपने भी इंटरनेट पर ऐसा कोई वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें ट्रेन रोड पर चल रही है। दरअसल ये जो रोड होते हैं ये खास तरीके के क्रॉसिंग रोड होते हैं और इन रोड में बीच में से ट्रेन की पटरियां निकाली जाती हैं। ये इतनी आसानी से दिखती नहीं है लेकिन ये पटरियां मौजूद होती हैं और इसी के जरिए ट्रेन रोड के ऊपर चल रही है या कहूं रोड से क्रॉस कर रही है। नंबर थ्री, दोस्तों हाल ही में एक ऐसा हादसा सामने आया था जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया। दरअसल एक बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी माँ को मार डाला और आशिक कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये बात सच है। दरअसल उसकी माँ ने 3 बार शादियाँ की थी। पहली बार डाइवोर्स हुआ, दूसरी बार भी बात नहीं बनी और तीसरी शादी के बाद वो जिंदा ही नहीं बची। पहली शादी के बाद इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का अपनी माँ से बहुत ज्यादा करीब था लेकिन वहीं पर लड़की अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने तीसरे पिता के जिम में गुजारती थी और यहीं पर दोनों को आपस में प्यार हो गया। ये बात जब उनकी माँ को पता चली तो उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों साथ में रहने लगे लेकिन फिर जब उन्हें पैसों की तंगी आई तो उस लड़की को अपनी माँ की 40 करोड़ की संपत्ति याद आ गई और अपनी माँ से संपत्ति का हिस्सा मांगा लेकिन उसकी माँ ने हिस्सा नहीं दिया, तो फिर इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। नंबर फाइव, दोस्तों दिवाली के दिन हम अपने घर सजाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हाँ पटाखे भी फोड़ते हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारे पड़ोसी देश है यानी कि नेपाल, वहाँ पर दिवाली के दिन काफी अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है क्योंकि इस दिन यहाँ पर कुत्तों की पूजा की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ये लोग मानते हैं कि जो कुत्ता होता है वो यमराज का मैसेंजर होता है, साथ में कुत्ता मरने के बाद भी अपने मालिक की रक्षा करता है, इसीलिए वहाँ पर कुत्तों को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। उनको मारना या फिर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है और पूरे साल कुत्तों ने जो वफादारी की होती है उसके गिफ्ट के तौर पर इस दिन इनकी पूजा की जाती है। उन्हें माला पहनाई जाती है, टीका कराया जाता है और उनके साथ बेहद ही प्यार से बर्ताव किया जाता है। ऐसी पूजा हर एक देश में होनी चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, एक आदमी की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उसकी बीवी। कई लोग अपनी बीवियों पर काफी सख्ती से पेश आते हैं लेकिन कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कैसे अपने पत्नी को रखना चाहिए और कैसे उनकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे कि इस्लाम धर्म में माना जाता है कि अपनी बीवी को दिन में 3 बार शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि जब हम काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारी वो अकेली संभालती है। बच्चों को बड़ा करना, खाना पीना, पैसों की जिम्मेदारी, घर की साफ सफाई, ऐसी और भी कई जिम्मेदारी होती है जो बीवी को संभालनी पड़ती है और वो आपके दुख में हमेशा आपके साथ ही रहती है। वो अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ रहने आती है। इससे बड़ा सैक्रिफाइस कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्हें शुक्रिया जरूर कहना चाहिए। नंबर 7, आपने भी अपने परिवार के साथ बैठकर रामायण तो जरूर देखी होगी। इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता था लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में ये जो सब सीन हुआ करते थे उसमें VFX का इस्तेमाल किया जाता था। वो कैसे बनाए जाते थे? क्योंकि उस टाइम ना ही VFX था और ना ही इतनी अच्छी क्वालिटी, तो आखिर ये सब जो उड़ने वाले सीन्स थे और जादू वाले सीन्स थे वो
कैसे किए जाते थे। दरअसल उन्हें करने के लिए ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता था। साथ में लड़ाई के लिए जो लोग होते हैं वो तो आजकल VFX से बना लिए जाते थे, लेकिन उस वक्त में ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब लोगों को रियल में बुलाए गए शूट के लिए। और एक शूट के लिए 2000 से 10000 के बीच लोगों को अहमदाबाद से इंसानों को बुलाया जाता था, और इसीलिए एक एपिसोड के ऊपर इनको लाखों खर्च करने पड़ते थे। नंबर 1, दोस्तों आप ये बात जानते होंगे कि कई लोग हैं जो कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों को मारते हैं और पीटते हैं। आपने भी ऐसे लोगों को कई बार देखा होगा, और आप में से कई लोगों ने ये भी सोचा होगा कि क्या इनके ऊपर कुछ हो सकता है, यानी कि क्या कुत्तों को मारने से रिलेटेड कोई भी लॉ है जिसके चलते हम पुलिस कंप्लेंट कर सके। तो हम आपको बता दें कि जी हाँ बिल्कुल है। सेक्शन 428 और 429 के अनुसार किसी भी जानवर को मारना अलाउड नहीं, भले ही वो जानवर आपने खुद पाला क्यों ना हो। और अगर कोई किसी को ऐसा करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है तो फिर उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, यहाँ तक कि केस भी दर्ज हो सकता है, और उसको काफी बड़ा जुर्माना देने के साथ जेल में काफी बड़ा टाइम भी गुजारना पड़ सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।